आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज चैनल पर। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के फिरोज साहब हैं। आपने देखा होगा कि लगातार हमने रोड को लेकर कवरेज किया और कोशिश की कि आम आदमी के जिम्मेदार लोगों से बातचीत की जाए। इसका बहुत तेज़ी के साथ असर हुआ और देखिए लगातार काम चल रहा है। फिरोज भाई, थैंक यू कि आपने इस पर बहुत तवज्जो दी हमारी स्टोरीज पर और आप लोगों ने जनता को राहत दी है। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि मैं यहाँ अलशिफा वाले रोड पे हूँ, आप मुझे सबसे पहली चीज़ ये बताइए कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से प्रोसीजर वाइज रोड आप लोग बनाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ओखला की आवाम को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर से हरी कोठी रोड को लेकर के। लेकिन इसके लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने अपने फ़ंड को एलोकेट यूपी इरीगेशन को तकरीबन साल भर पहले कर चुकी थी। किसी वजूहत की वजह से वो नहीं बन सका। टेंडर के प्रोसेस होते हैं, यूपी इरीगेशन का अपना एक सिस्टम है, उसके साथ फिर बरसात आ गई तो 3 महीने बरसात के काम नहीं हुए। अब बरसात के बाद जो है बहुत फास्ट जो है इसके प्रोसेस तैयार हो गए। तो हरी कोठी और से लेकर के जामिया नगर पुलिस स्टेशन तक ये सड़क जो है अगले 10 दिन के अंदर में बन के तैयार हो जाएगी और इसका एक पेडिस्ट्रियन भी बन के तैयार हो जाएगा। तो होपफुली अगले 10 दिन में शाहीन बाग से लेकर के शाहीन बाग पुलिस चौकी से लेकर के जामिया नगर पुलिस चौकी सड़क विल बी रेडी। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, जैसे कि मैंने आपको तिकोना पार्क पर ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, आपने एक बात कही कि तिकोना पार्क के साथ अलग समस्या है, वो क्या है वो जनता को ज़रूर बताइए और उनको समझाइए। तिकोना पार्क का सीवर ख़राब है, बेसिकली वहाँ ओवरफ्लो होता है, आप अक्सर देखते होंगे कि पानी सड़कों पर लग जाता है, तो उसके अंदर में सीवर भी चेंज होनी है और सड़कें भी बननी है। इन दोनों चीज़ों का कोऑर्डिनेशन हो गया है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि तकरीबन 15-20 दिन के अंदर में उसका काम स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसके टेंडर प्रोसेस हो गए हैं, एमसीडी उसको बनाएगी। अच्छा, आपने कई गाड़ियों को लेकर सवाल किए कि देखिए अगर हम गाड़ी हटाते भी हैं सारी चीज़ें, क्योंकि फेसबुक पर बहुत ज़्यादा चल रहा है गाड़ी को लेकर, नाले को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए प्रॉब्लम जो है आपको अच्छी और बुरी तो लग सकती है, लेकिन जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम है वो तो है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना ही पड़ेगा। अब शाहीन बाग के अंदर में गाड़ियाँ हैं और लोगों के पास पार्किंग नहीं है तो वो बेचारे लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे। बट उनसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि वो 20 सड़कों पे ना लगाएं, वेंडर 20 सड़कों पे ना खड़े हों, लोकल कम्यूटर्स को दिक्कत ना हो, जो सड़कें बनी हुई है उस सड़कों के बीच में ना लगाएं, जो साइड में अगर कुछ जगह पड़ी हुई है तो उस जगह के अंदर में अपनी गाड़ी लगाएं, और जो कमर्शियल यूज़ करते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कमर्शियल यूज़ में ऐसा ना हो कि 20 सड़क के अंदर में वो ऑटोमोबाइल का काम स्टार्ट कर दें, गाड़ी मेंटेनेंस का काम स्टार्ट कर दें, जिससे आवाम को दिक्कत हो। अभी सड़कें बन गई हैं, इसका रखरखाव जितनी जिम्मेदारी सरकार की बनती है उतनी जिम्मेदारी आवाम की भी बनती है कि आवाम को भी कोऑपरेट करना चाहिए कि वो चीज़ आपकी अच्छी रहे, भरी पूरी रहे। अब आपको डस्ट से छुटकारा होने जा रहा है बहुत जल्द। कई समस्याएं हैं क्योंकि सरकार, हमारा मकसद खबरों को दिखाना और आपको अवेयर करना कि क्या क्या काम हो रहा है। फिरोज भाई, आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमें, थैंक यू सो मच।